दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसके फूल, पत्ती, तना और जड़ किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, जिसके उपयोग से चेहरे के दाग धब्बे, बालों का झड़ना, दांत खाज खुजली, नपुंसकता, बवासीर, जोड़ों का दर्द, दांतों का दर्द के साथ साथ सांप दंश, बिच्छू दंश के साथ ढेर सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। दोस्तों, जिस पौधे की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कनेर। कनेर का पौधा वैसे तो एक आम पौधा है जो अधिकांश घरों में देखने को मिल जाता है। यह पौधा भारत में लगभग हर जगह देखा जा सकता है। यह सदाहरित झाड़ी है जो हिमालय में नेपाल से लेकर पश्चिम के कश्मीर तक, गंगा के ऊपरी मैदान और मध्य प्रदेश में बहुयात से पाई जाती है। अन्य प्रदेशों में यह कम पाई जाती है। कनेर के पौधे में पीले और ऑरेंज रंगों के फूल होते हैं। कनेर के पत्तों और फूलों का उपयोग कई आयुर्वेदिक तरीकों से किया जाता है। कनेर के फूल को संजीवनी बूटी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कनेर की पत्तियां बालों के लिए काफी लाभकारी होती है। यह न सिर्फ बालों को झड़ने से रोकती है बल्कि इसके नियमित इस्तेमाल से नए बाल भी उगाते हैं। तो आइए जानते हैं कनेर के पौधे के फूल, फल और पत्तियों के फायदे के बारे में। घाव के लिए, दोस्तों, कनेर के सूखे हुए पत्तों का चूर्ण बनाकर घाव में लगाने से घाव जल्द ही भर जाते हैं। फोए और फुंसियों के लिए, दोस्तों, कनेर के लाल फूलों को पीसकर लेप बना ले और यह लेप फोड़ी फुंसियों पर दिन में 2 से 3 बार लगाए। इससे फोड़ी फुंसियां जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। दाद के लिए, दोस्तों, कनेर की जड़ को सिरके में पीसकर दाद पर 2 से 3 बार नियमित लगाने से दाद रोग ठीक होता है। कनेर के पत्ते, आंवला का रस, गंधक, सरसों का तेल और मिट्टी के तेल को मिलाकर मलहम बना ले। इस मलहम को दाद पर लगाने से दाद खत्म होता है। लाल या सफेद फूलों वाली कनेर की जड़ को गाय के पेशाब में घिसकर लगाने से दाद ठीक होता है। इसका लेप बवासीर व कुष्ठ रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। बालों के झड़ने की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, आजकल कई लोग बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस फूल से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। सबसे पहले आप इस फूल को पानी में उबाल ले, उसके बाद उस पानी को छान कर ठंडा कर ले, फिर उस पानी से बालों को धोए। इस उपाय को सप्ताह में 3 दिन करने से आपके बालों का झड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। चेहरे के लिए है फायदेमंद। दोस्तों, कनेर के फूल को पीसकर इसका लेप चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे और पिंपल्स जल्द ही दूर हो जाते हैं। सांप और बिच्छू का जहर को दूर करने में, दोस्तों, सफेद कनेर की जड़ को घिसकर डंग पर लेप करने या इसके पत्तों का रस पिलाने से सांप या बिच्छू का जहर उतर जाता है। हृदय शूल में, दोस्तों, कनेर के पौधे की जड़ की छाल की 100 से 200 मिलीग्राम की मात्रा को भोजन के बाद खाने से हृदय की वेदना कम हो जाती है। बवासीर में, दोस्तों, कनेर और नीम के पत्ते को एक साथ पीसकर लेप बना ले। इस लेप को बवासीर के मसों पर प्रतिदिन 2 से 3 बार लगाए। इससे बवासीर के मसे सूख कर झड़ जाते हैं। कनेर की जड़ को ठंडे पानी के साथ पीसकर दस्त के समय जो अर्श बाहर निकल आते हैं उन पर लगाए। इससे बवासीर रोग ठीक होता है। नपुंसकता के लिए, दोस्तों, सफेद कनेर की 10 ग्राम जड़ को पीसकर 20 ग्राम वनस्पति घी के साथ पका ले। इस तैयार मलहम को सुबह शाम लगाने से नपुंसकता दूर हो जाती है। सफेद कनेर की जड़ की छाल को बारीक पीसकर भटकैया के रस के साथ पीसकर लेप बना ले। इस लेप को 21 दिनों के अंतर पर अपने सामान की सुपारी छोड़कर बाकी पर लेप करें। इससे नपुंसकता खत्म हो जाती है। जोड़ों का दर्द, दोस्तों, लाल कनेर के पत्तों को पीसकर तेल में मिलाकर लेप बना ले और इस लेप को जोड़ों पर लगाए। इस लेप को सुबह शाम जोड़ों पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। धातु रोग, दोस्तों, सफेद कनेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से धातु रोग एवं गर्मी से होने वाले रोग आदि ठीक हो जाता है। अंडकोश की खुजली, दोस्तों, सफेद या लाल फूल वाली कनेर की जड़ को तेल में पका ले और इस तेल को अंडकोश की खुजली पर लगाए। इससे अंडकोश की खुजली दूर होती है और फोड़ी फुंसी भी मिट जाते हैं। अंडकोश की सूजन, सफेद कनेर के पत्ते को कांजी के साथ पीसकर हल्का गर्म करके अंडकोश पर बांधे। इससे अंडकोश की सूजन दूर होती है। दांतों का दर्द, सफेद कनेर की डाल से प्रतिदिन 2 बार दांतों करने से दांत का दर्द ठीक होता है और दांत मजबूत बनते हैं। अफीम की आदत, दोस्तों, अफीम की आदत छुड़ाने के लिए 100 मिलीग्राम कनेर की जड़ को बारीक पीसकर चूर्ण बना ले। यह चूर्ण 2 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ 1 हफ्ते तक नियमित सेवन करने से अफीम की आदत छूट जाती है। कुत्ता काट लेने पर, दोस्तों, सफेद कनेर की जड़ की
छाल का बारीक चूर्ण बनाकर 60 मिलीग्राम की मात्रा में 4 चम्मच दूध में मिलाकर दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक रोगी को पिलाएं। इससे कुत्ते का जहर उतर जाता है। दर्द व सूजन में दोस्तों शरीर का कोई भी अंग सूज जाने पर लाल या सफेद फूल वाले कनेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर मालिश करिए। इससे सूजन में जल्दी ही आराम मिलता है। सूजन और दर्द को दूर करने के लिए लाल या सफेद फूल वाले कनेर की जड़ को गाय के मूत्र में पीस कर लगाए। इससे सूजन व दर्द ठीक होता है। तो दोस्तों ये थे कनेर के पौधे के फायदे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।